ये है इंदु ब्रॉडकास्टिंग प्राइवेट लिमिटेड और आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज, हर पल हर क्षण हर सच। भिलाई टाउनशिप के साईं मंदिर में गुरु पूर्णिमा का पर्व धूमधाम के साथ मनाया गया, जहां बड़ी संख्या में भक्तों ने पहुंचकर बाबा का आशीर्वाद लिया। गुरु पूर्णिमा के अवसर पर साईं मंदिर का नजारा कुछ खास रहा, जहां विशेष साजो श्रृंगार के साथ साईं बाबा की विशेष पूजा अर्चना की गई, जिसमें बड़ी संख्या में बाबा के भक्तों ने हिस्सा लेकर उनका आशीर्वाद लिया। इस दौरान भव्य भजन संध्या का भी आयोजन किया गया, जहां स्थानीय कलाकारों ने सुमधुर आवाज में बाबा के भजन गाए। इस मौके पर मंदिर समिति के सदस्यों ने कहा कि उन्होंने गुरु पूर्णिमा का पर्व सेवा दिवस के रूप में मनाया है और रक्तदान महादान के मंत्र को चरितार्थ करते हुए 32 यूनिट रक्त का भी दान किया है। विधि विधान से पूजा और विधि विधान से बाबा की आरती और दोपहर का भंडारा, शाम का भंडारा और शाम का भी भजन कार्यक्रम सम्पन्न होने वाला है। और आज के विशेष दिन में एक सेवा कार्य पूरा किया गया, जिसमें रक्तदान 32 यूनिट रक्तदान किया गया, महिला और जेंट्स दोनों मिलकर 32 यूनिट किए हैं। साईं बाबा का जन्मदिन महोत्सव के रूप में मनाया जाता है और लगातार कई वर्षों से सेक्टर 6 साईं बाबा मंदिर इस आयोजन को धूमधाम से मनाया जाता है। इस साल विशेष इसलिए कि सुबह से महाभंडारा पूजा पाठ, साथ में यहाँ विशेष आज रक्तदान का भी शिविर लगाया गया, जिसमें बढ़ चढ़ के लोगों ने अपना रक्तदान किया। शाम को साई स्वराजली भजन संग्रह के द्वारा भजन की प्रस्तुति की जा रही है और घर से भंडारा भी प्रारंभ होगा। आरती के पश्चात लगातार बाबा के भक्त जुड़ रहे हैं, हर साल इसी तरह बाबा के भक्त अधिक से अधिक यहाँ पर आते हैं और अपनी मनोकामना पूर्ण करते हैं। साई बाबा से साल सत्र से प्रति वर्ष गुरु पूर्णिमा जो है बहुत ही हर्षोल्लास के साथ उत्सव के रूप में मनाया जाता है, जिसमें बहुत धार्मिक आस्था से लोग भक्तजन आते हैं, आचार प्रवृत्ति प्राप्त करते हैं। लेकिन इस वर्ष एक विशेष सेवा भावना की ओर से हमारे भक्तजनों को प्रेरणा देने के लिए हमने रक्तदान शिविर का भी संस्था की ओर से आयोजन। न्यू वीडियोस की अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें इंडियन न्यूज़ को और बेल आइकन को दबाएं।